मिठाई की सबसे बड़ी खूबी है इसमें तीन चार चीजें डलती हैं और जो टेस्ट निकल के आता है वो कमाल का होता है। तो आइए आज हम आपको मिठाई खिलाते हैं। बेसन के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए बेसन की बर्फी बनाते हैं। बेसन की बर्फी के लिए चाहिए हमें फ्रेश मलाई, रिफाइंड ऑयल, बेसन, नारियल का बुरादा, थोड़ी चीनी, दो इलायची, एक चम्मच खरबूजे के बीज। अब हम इन पांचों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। हम इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से पेस्ट बना के कढ़ाई में डाल लेंगे। इसे इलायची पाउडर और मगज हम लास्ट में डालेंगे, सजाने के लिए मगज और खुशबू के लिए इलायची पाउडर। ऐसे बन जाएगा और कढ़ाई में डाल देंगे इसे। मीडियम गैस करके हम कढ़ाई में डाल देंगे इसे। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत अच्छी बर्फी बनती है इसकी। और धीरे धीरे फिर इसे चलाते जाएंगे, बहुत तेज आंच नहीं करनी, और ऐसे करके चलाई जाएंगे एक ही तरफ से। आंच तेज नहीं होनी चाहिए इसमें। 20 मिनट में ये पक जाता है। फिर इसमें कलर डालना चाहिए, थोड़ा कलर भी डाल सकते हैं, हमने बिना कलर के ही किया। ये धीरे धीरे करके इसे ऐसे चलाते रहिए, ऐसे करके ये घी छोड़ेगी अपने आप बर्फी, फिर तैयार हो जाएगी। इसको तब तक पकाना जब तक ये घी ना छोड़ते। बेसन घी ज़्यादा पीता इसलिए हमने टोरी लिया, इसमें बाद में थोड़ा घी छोड़ देगा ये, फिर अलग हो जाए। देखो हमारी बेसन की बर्फी पकने लग गई है। अभी इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और ये और ऑयल छोड़ देगी, फिर हमें इसे निकाल लेंगे, ऑयल एक तरफ अलग कर लेंगे कढ़ाई से। एक ही साइड चलाते जाना है इसे और तेज आंच नहीं करनी, लो फ्लेम पे करना है। और ये धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी। जिस थाली में हम डालना है उसमें पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे ऐसे पॉलिश कर लेंगे ताकि वो नीचे चिपके ना, साइडों में भी कर लेंगे। देखो ये हमारी बर्फी पक के तैयार है, अभी हम थाली में डालेंगे इसे। और धीरे धीरे इसे टैप कर देंगे। तो अभी इस पे हम इलायची डाल देंगे और मगज डाल के इसे टैप कर देंगे। अभी हमारी बर्फी तैयार है, ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसके पीस काटेंगे। थोड़ी नरम होती से तभी काटें तो अच्छी कटेगी। बर्फी तैयार है, अभी चाय के कप के साथ इसे खा के मजा लीजिए।